उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र शुरू होने से पहले सपा नेता मनोज पांडे ने सरकार को घेरने का काम किया। साफ तौर पर मनोज पांडे ने कहा कि सरकार ने अभी तक 27% बजट खत्म नहीं कर पाई है और फिर से भी बजट की मांग कर रही है। मनोज पांडे ने कहा कि आज सदन में किसानों के मुद्दे पर बात होगी और सरकार गड्ढा मुक्त की बात कर रही है, अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, इस पर भी बात होगी। देखिए, जहाँ तक सप्लीमेंट्री बजट का सवाल है, लोक निर्माण विभाग के बारे में आप कहाँ क्या कहेंगे? 68.9% बजट, जब पिछला बजट अभी सरकार न खर्च कर पाई हो और उसके पास 26 से 27% बजट ही केवल वो खर्च कर पाई हो, उसके बाद भी उसने पैसा मांगा है, किस चीज़ के लिए पैसा आपने मांगा है? यही हाल पर्यटन का है, यही हाल ग्राम विकास का है, यही हाल सिंचाई विभाग का है। अगर आप 19 विभागों की समीक्षा करें तो जो बजट उन्होंने सामान्य बजट में लिया था वो बजट आज भी जमीन पर नहीं ले आ पाए।